हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे साबूदाने का पुलाव, जिसकी व्रत में आप आराम से खा सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा बना है, और ये देखिए एक एक दाना मोतियों जैसे बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ का साबूदाना ले लिया है, और साबूदाना भी दो तीन तरह के आते हैं, लेकिन मैंने मीडियम वाला लिया है। और इसको पानी से दो बार अच्छे से मसल मसल के धो लेंगे, जिससे कि इसमें जितना भी स्टार्च है सारा निकल जाए। और देखिए ये मैंने धो लिया है, और इसमें अब पानी साबूदाना के ऊपर तक डाल देंगे, जिससे कि आराम से ये फूल जाएगा। और इसको ढक के कम से कम दो घंटे के लिए इसको रख देंगे। ये दो घंटे बाद मैंने देखिए इसको देखा है, ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको छान लेंगे, छलनी में डाल देंगे, धीरे धीरे ये आराम से छनता रहेगा। अब कढ़ाई चढ़ा देते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक चम्मच बड़ा चम्मच घी डालेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो एक आलू को मैंने चौकोर टुकड़ों में काट के डाल दिया है। इसको भून लेंगे एक से दो मिनट। फिर इसमें मैंने आधा गाजर डाला है, अगर गाजर खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिएगा। इसको भी आलू के साथ भूनेंगे, और ढक ढक के भूनेंगे, जिससे कि आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और गाजर भी, और इसका कलर भी देखिए चेंज होने लगा है। एक बार और इसको ढक देते हैं। ये 5 से 7 मिनट लग जाएगा इसको सॉफ्ट होने में। देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, आराम से टूट रहा है। अब इसको एक बर्तन में निकाल देते हैं। सारा निकाल देंगे। अब उसी घी में थोड़ी सी मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली को भी भून लेते हैं। गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा, जिससे कि मूंगफली अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू डाले हैं, आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। साबूदाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए मूंगफली जब भुन जाए तो इसको भी हम निकाल लेंगे। और उसी घी में आधा चम्मच जीरा मैंने डाल दिया है, और 2-3 मिर्च है। मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। दोनों को भून लेंगे, जीरा और मिर्च को। जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा और मिर्च भी अच्छे से भून जाएगा, तो साबूदाना जो भिगाया है ना उसको डाल देंगे। और इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, करीब 2 से 3 मिनट, जिससे कि जिसमें इतने साबूदाने में जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो उससे ना साबूदाना अच्छे से पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा साबूदाना भी। इसको 1-2 बार ढक के अच्छे से साबूदाना को भी सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे इसके एक एक दाने ना मोतियों जैसे खिले खिले लगेंगे, बिल्कुल एक दूसरे में चिपकेगा नहीं, और खाने में दांत में भी नहीं चिपकेगा। देखिए इस तरह से मैंने इसको 5 से 7 मिनट ढक ढक के भून लिया है। अब इसमें सेंधा नमक डाल देंगे, और आधा चम्मच जीरा पाउडर डाला है, और मैंने और कोई मसाले नहीं डाले हैं। आप अगर दूसरे मसाले भी खाते होंगे तो डाल दीजिएगा, नहीं तो इतना काफ़ी है। जो अदरक खाते हैं अदरक डाल सकते हैं यहाँ पर। और आलू को जो मैंने फ्राई किया था उसको भी डाल दिए हैं। और इसको सारे को मिक्स कर देंगे साबूदाने के साथ। वैसे मूंगफली का ये भून के मैंने पाउडर बना के रखा है, वो 2 चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ी सी धनिया पत्ती है उसको भी डाल दिए हैं।
सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साबूदाना देखिए बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। अब इसमें मूंगफली और काजू जो भून के रखे थे ना उसको भी डाल कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। लास्ट में गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, तब आधा नींबू डाल देंगे और ऊपर से धनिया पत्ती से इसको सजा देंगे और ये हमारा साबूदाना का पुलाव बन के तैयार हो गया है। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।